वेलकम टू द डेली व्यू ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो कल बजट है, तो बजट में जैसा कि आप सब जानते हैं, जैसी बजट सत्र शुरू होगा तो वोलेटिलिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। आज आपने देखा होगा कि ऑप्शन प्रीमियम्स में भी ठीता डीके नहीं हुआ है, क्योंकि नॉर्मली लोग लॉन्ग स्ट्रैडल लॉन्ग स्ट्रैंगल लेके जाते हैं कि एक्सपेक्ट करते हैं किसी तरह वो वॉलेटिलिटी होगी, तो इसलिए ऑप्शन प्रीमियम्स भी आज डाउन नहीं आए हैं। तो कल ड्यूरिंग द बजट स्पीच एंड आफ्टर द बजट स्पीच कंक्लूड्स, ऑप्शन प्रीमियम्स नीचे आएंगे। तो निफ्टी में हालांकि पूरे दिन में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, गैप अप निफ्टी ओपन हुई थी और मोस्टली पूरा डे वहीं स्पेंड किया है। तो ऊपर में अगर आप देखें, जो हमें लग रहा था 17,500-600, तो 17,410 आज हिट कर दिया है, और थोड़ा 50-100 पॉइंट और गुंजाइश है ऊपर जाने की। फिर ये मूविंग एवरेजेस आ जाती हैं, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जो कि 20, 11 और 4 हैं। तो ये मूविंग एवरेजेस काफ़ी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे ऑन द अपसाइड। तो 17,500-600 अभी भी एक स्टिफ रेजिस्टेंस जोन है, तो कोई भी रैली बजट के दिन आएगी तो उसमें ये एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा जोन 17,500 से 600। अगर ये जोन के ऊपर निफ्टी क्लोज हो जाती है तो फिर हमें आने वाले सेशंस में एक तो ये क्लियर हो जाएगा कि प्राइस एक्शन से कि बजट अच्छा है कि खराब है, और क्योंकि ये प्राइस एक्शन से अगर 17,600 निफ्टी कल क्रॉस होके क्लोज हो जाती है तो हमें क्योंकि बजट चाहे फाइन प्रिंट बाद में लोग पढ़ते हो, बट प्राइस एक्शन से पता चल जाता है कि बजट अच्छा है या नहीं है मार्केट के लिए। तो 17,500-600 अगर क्रॉस हो गया तो आने वाले टाइम में आपको 18,000 भी देखने को मिल जाएगा। तो व्यू अभी भी बुलिश है। स्टॉप लॉस आप थोड़ा सा ट्रेल कर सकते हैं, तो मैं कल के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ, क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट स्विंग लो है। तो कल का लो था 17,077, तो आप 17,075 अगर होल्ड कर रहा है तो व्यू बुलिश ही रहेगा। अगर उसके नीचे निफ्टी चला जाता है तो ये क्लियर हो जाएगा कि 17,000 से 17,075 अगर ब्रेक हो जाए तो ये क्लियर हो जाएगा कि बजट उतना अच्छा नहीं है, और हम फिर ये जो लेवल है 16,835 जो पुराने लो हैं वो लेवल डेंजर में आ जाएंगे। तो ध्यान रखिए व्यू बुलिश ही रहे, बुलिश ही है। 17,075 अगर होल्ड करता है, टारगेट अभी भी 17,500-600 का ओपन है, और अगर कल 17,075 तोड़ देता तो आपकी जो बुलिश पोजिशन है वो एटलीस्ट न्यूट्रल तो हो जानी चाहिए, और 16,835 के नीचे तो बेरिश व्यू है, और निफ्टी लगता है फिर उसके बाद 200-250 पॉइंट और गिर सकता है 16,600 तक। तो व्यू बुलिश टिल 17,075 होल्ड्स, एक्सपेक्टिंग राइज अप टू 17,500-17,600, एंड इफ 16,835 ब्रेक्स देन एक्सपेक्टिंग 16,600 लेवल्स ऑन इंडेक्स। तो ये दोनों साइड का व्यू बना के लेकिन बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि कल वॉलिटिलिटी बहुत होगी। तो इंट्राडे ट्रेडर से रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि कल ट्रेडिंग ना करें, एक दिन छुट्टी ले लें, क्योंकि वॉलिटिलिटी ज़्यादा रहेगी तो पैसा बन भी सकता है लेकिन बड़ा पैसा जा भी सकता है। तो अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो बड़ा, तो ही ट्रेडिंग करें, नहीं तो अवॉइड कर सकते हैं कल। एंड निफ्टी का यही व्यू है, और बैंक निफ्टी में भी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। अगर ओपन इंटरेस्ट भी देख लें तो ओपन इंटरेस्ट निफ्टी का वही 18,000 तो काफ़ी दूर है। ये तो जो बहुत दूर की ऑप्शन उठा लेते हैं वो लोग ज़्यादा एक्टिव हैं, 18,000, 19,000, 18,500 और 19,000 पे।
बट पास में 17,500 ही है जो एक स्टिफ रेजिस्टेंस है। और वही बैंक निफ्टी में बात करें तो बैंक निफ्टी में 38,500 नीचे और 38,500 ऊपर और 37,500 नीचे, तो ये 1,000 पॉइंट की रेंज बनी हुई है। तो अभी भी आज अगर हम आज का प्राइस एक्शन देखें तो कल का लो नहीं टूटा है, तो कल का लो एक इम्पोर्टेंट हो जाता है 37,580। तो अगर ये लो होल्ड करता है तो हमें भी अभी भी उम्मीद है कि 39,000 39,500 आने वाले सेशंस में आ सकता है। व्यू बुलिश ही है अभी भी, क्योंकि ऐसा बेरिश होने का कोई साइन नहीं है। तो अगर यहाँ बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी है तो इसका फॉलो अप आना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं आया है क्योंकि बजट से पहले लोग हेजिटेट कर रहे हैं कोई भी बड़ी पोजिशन बनाने के लिए। तो इसलिए व्यू बुलिश है जब तक ये नीचे 36,400 जो लो है, टिल 36,400 होल्स 39,000 से 39,500 आ सकता है। और कल के बाद काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगर ये पुराना स्विंग हाई क्रॉस हो जाता तो बैंक निफ्टी में आने वाले दिनों में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। CNX PSU बैंक, जैसे कि हमने बोला था कि एक दिन की करेक्शन के बाद फिर अपनी रैली वापस से रिज्यूम करते हुए, तो अभी ये 2830 से 2982 हो गया है, 150 पॉइंट की रैली आ चुकी है इसमें, विच इज़ राउंड अबाउट 5% ऑन दिस इंडेक्स, और 2.94% तो आज ही बढ़ा है। IT में अगर आप देखें, IT में भी एक पॉइंट है कि ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट हमने बोला था कि करेगी, तो ये यहाँ से बाउंस आया है एक 2.87, बट अभी भी एक और डिप आ सकता है जो कि ये अच्छे से टेस्ट कर जाएगा। 32,980 के आसपास है, सॉरी 32,900 के आसपास है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो एक डिप आपको और देखने को मिल सकता है। उसके बाद एक कंफर्म्ड अगर रिवर्सल होता है कैंडलस्टिक पैटर्न पे, तो एक ये निफ्टी आईटी में के रिवर्सल पॉसिबल है। अभी थोड़ा सा आप वेट करें क्योंकि हो सकता है एक डिप और निफ्टी आईटी में देखने को मिले 32,900 तक। तो यही व्यू रहेगा हमारा मेन इंडिसेस पे। बाकी कल जैसे कि आप सब जानते हैं बजट पे काफ़ी वॉलीटिलिटी रहेगी, तो कोशिश करें बजट स्पीच ख़त्म होने के बाद कोई पोजीशन लें, तब थोड़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और बाकी शाम को हम अपनी तरफ से आपको व्यू बता देंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी पे क्या व्यू है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।